गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर 3, ब्रेवो मंजू। भाई, इस चैप्टर के टाइटल से क्लियर है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल हुज नेम इज मंजू एंड शी इज वेरी ब्रेव। लेट्स बिगिन विद द ऑथर फर्स्ट। हेयर इट इज रिटन दैट एन इंडियन आर्टिस्ट ऑफ हर ओरिजिन 12 and 14 years old depicts with child's dreams, joys. Now, the author is Arun Srivastav and she has written the story about Manjula Parekar. ठीक है? Manjula was born with only two fingers on each hand. Manjula एक girl है, जब वो पैदा हुई थी उसके दोनों हाथ पर दो ही fingers थे. But that doesn't stop her from pursuing her interest. लेकिन इस चीज से उसका interest जिसमें था उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। उसको ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई कि मुझे अपनी दो फिंगर्स के साथ मैं कुछ नहीं कर सकती। डज शी ओवरकम द हर्डल्स एंड टेक अप द चैलेंजेस और गिव अप। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या जो दिक्कतें आई उसके रास्ते में, रुकावटें आई, उसने उनको पार कर लिया, चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया या हार मान ली। रीड दिस इंस्पायरिंग स्टोरी। Let's read this story and get to know about Manjula Parekar. Manjula Parekar knew she would never paint like Hussain, not with those fingers, just two on each hand. Manjula Parekar जानती थी कि वो कभी भी हुसैन, आपने सुना होगा MF हुसैन, जिन्होंने फेमस एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की बहुत सारी पिक्चर्स को पेंट किया था। ही इज़ अ फेमस आर्टिस्ट। तो शी कंपेयर्स हर सेल्फ विद हुसैन और वो जानती थी कि वो उनकी तरह कभी पेंटिंग नहीं कर पाएगी। नोट विद दोज फिंगर जस्ट टू ऑन ईच हैंड, स्पेशली जब उसके उसको पता है कि उसके दोनों हाथों में सिर्फ दो ही फिंगर्स हैं। हैंडलिंग ब्रशेज वॉज नो प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम वॉज द कॉस्ट ऑफ द मटीरियल शी वुड नीड। अब ब्रश को हैंडल करना प्रॉब्लम नहीं थी उसके लिए, प्रॉब्लम क्या थी कि जो मटीरियल उसको चाहिए पेंटिंग के लिए उसकी कीमत। मम्मी, शी आस्क वन इवनिंग वाइल हेल्पिंग हर मदर इन द किचन आफ्टर डिनर, डू यू थिंक आई कुड, शी पॉज नर्वसली, आई कुड हैव सम एक्स्ट्रा मनी टुमारो। एक दिन जब वो शाम को अपनी मदर के साथ किचन में हेल्प कर रही थी, तब वो अपनी मम्मी से पूछती है डिनर के बाद जब वो डिशेज धो रही थी, बर्तन धो रही थी मम्मी के साथ, तो वो अपनी मम्मी से पूछती है बड़े नर्वसली होकर, घबरा कर, कि आई कुड हैव सम एक्स्ट्रा मनी टुमारो, कि क्या मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी मिल सकती है। वट डू यू नीड इट फॉर, आस्कर मदर जेंटली रिंसिंग द डिशेज। अब उसकी मदर बर्तन धोते धोते पूछती हैं कि तुम्हें मतलब क्या जरूरत है, किस वजह से चाहिए तुम्हें पैसे, बड़े प्यार से पूछती हैं। फॉर कलर्स एंड पेंट्स आई वॉन्ट टू लर्न पेंटिंग। वो बड़े झिझकते हुए बोलती है कि मुझे कलर्स और पेंट्स चाहिए क्योंकि मुझे पेंटिंग सीखनी है। मिसेस पारेकर लुक्ड एट हर डॉटर सर्चिंगली। हियर इन योर बुक इट इज गिवन, सर्चिंगली मीन्स इन ए क्वेश्चनिंग मैनर, ओके, कि शी वॉन्टेड टू नो कि व्हाट डज हर डॉटर वॉन्ट। मिसेस पारेकर लुक्ड एट हर डॉटर सर्चिंगली। आफ्टर सम टाइम शी प्रेस्ड सम मनी into Manjula's hands. Go ahead and buy whatever you need, dear. Have fun and show me the painting. अब कुछ समय बाद उसकी मदर उसकी हाथों में कुछ पैसे देती है और कहती है जाओ जो तुम्हें खरीदना है खरीद लो, मजे करो और मुझे भी दिखाना अपनी पेंटिंग जो तुम बनाओगे। मंजुला showed her first painting to her mother the very next day. अगले ही दिन मंजुला ने अपनी पहली पेंटिंग अपनी मदर को दिखाई। मंजुला cried her mother, dropping her needlework in surprise. Why? That is beautiful. I didn't know you were so good. You must show it to Papa. He will be impressed. अब जिस दिन मंजुला अपनी पेंटिंग मदर को दिखाती है, उसकी मदर नीडल का कुछ वर्क कर रही थी, सुई धागे का, वो उनके हाथ से छूट जाता है, वो सरप्राइज मैनर में, क्योंकि वो इतनी सरप्राइज होती है कि उनके हाथ से छूट जाता है और वो कहती है वाओ दैट इज ब्यूटीफुल, कि कितनी सुंदर पेंटिंग है। और वो ये भी कहती हैं कि आई डिडंट नो यू आर सो गुड, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी पेंटिंग कर सकती हो। यू मस्ट शो इट टू पापा, तुम्हें पापा को दिखाना चाहिए, वो भी इम्प्रेस हो जाएंगे। मंजुला रिटर्न टू हर ब्रशेज एंड पेंट्स। अब वो अपने ब्रशेज फिर से वापस आती है, उनके बाद पेंटिंग स्टार्ट कर देती है। नो बडी हैड आस्क मंजुला वॉट शी वॉन्टेड फॉर हर 13th बर्थडे।
येट शी गॉट ऑल शी हैड सीक्रेटली विश्ड फॉर। भाई किसी ने भी उससे ये नहीं पूछा कि उसको अपने 13 बर्थडे पर क्या चाहिए, लेकिन फिर भी उसको सब कुछ मिल गया जो अंदर ही अंदर वो विश कर रही थी कि मुझे बर्थडे पर क्या चाहिए। भाई ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 13th बर्थडे, इट इज ऑल्सो गिवन इन योर क्वेश्चन। हाउ ओल्ड शी वॉज 13 ईयर ओल्ड। ओके, पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप, मंजुला, सॉरी वी वर हेयर। ओ मम्मी मम्मी, क्राइड मंजुला ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म मीन्स मूव्ड बाय सम एक्शंस हेयर बाय द गिफ्ट्स गिवन बाय हर पेरेंट, मतलब शी वॉज वेरी फीलिंग वेरी जॉयफुल, बहुत खुशी से वो चलती है। अ सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर, मदर उसको क्या देती है कि आर्टिस्ट जो वाटर कलर यूज करते हैं वो कलर्स। थैंक यू सो मच, एंड दिस इज फ्रॉम योर फादर, हर मदर प्रेस्ड अ बुक इन हर हैंड, और ये तुम्हारे फादर की तरफ से है, वो उसके हाथ में एक बुक दे देती हैं। पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप, मंजुला जम्प्ड इनटू एक्साइटमेंट, हर डार्क आईज शाइनिंग विद हैप्पीनेस। ओ पापा आई कुड नेवर हैव ड्रीम्ड ऑफ दिस। और जो पेंटिंग की बुक उसकी मदर उसके हाथ में देती है, वो एक स्टेप बाय स्टेप पेंटिंग सीखने की थी, वो एक्साइटमेंट से कूदने लग जाती है, उसकी डार्क आईज शाइनिंग करती हैं, खुशी से शाइन करती हैं, और वो कहती है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा होगा मेरे साथ। यू वुडंट हैव ड्रीम ऑफ माई प्रेजेंट ईदर, सेड हर ब्रदर अमोल। हु वॉज हर ब्रदर? अमोल। अमोल उसको क्या कहता है कि भाई तुमने ये भी नहीं सोचा होगा ये कि मैं भी तुम्हें कुछ गिफ्ट देने वाला हूँ, विद ए मिस्चीवियस स्माइल, एक शरारत भरी मुस्कान के साथ कहता है। ही पुल्ड हर टू हर बेडरूम, वो उसको खींच कर उसके बेडरूम पर लेके जाता है। अमोल लिफ्टेड द पिलो फॉर हर एंड देयर टाइड विद ए पिंक रिबन ले 3 वाटर कलर ब्रशेज। वो वहाँ पर जाकर पिलो उठाता है और जो पिंक रिबन से बंधे हुए थे 3 वाटर कलर के ब्रशेस वो देता है उसको। भाई ये गिफ्ट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि मदर ने क्या दिया, फादर ने क्या दिया, ब्रदर ने क्या दिया। मदर ने उसको कलर्स दिए थे, फादर ने बुक और ब्रदर ने ब्रशेस। सेबल हेयर, सेबल हेयर, इट इज ऑल रिटन हेयर द मीनिंग द हेयर ऑफ ए सेबल, अ सॉफ्ट फरी एनिमल्स यूज इन एन आर्टिस्ट ब्रश। ये एक स्पेशल टाइप का ब्रश होता है जिसके जो ब्रिसल्स होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। सेड हर ब्रदर आर्टिस्ट क्वालिटी, वो बताता है कि एक आर्टिस्ट यूज करता है ऐसे ब्रशेज हैं। मंजुला स्टडीड द न्यू बुक फ्रॉम कवर टू कवर एंड सून यूज्ड अप ऑल हर पेपर्स। अब मंजुला उस बुक को कवर टू कवर यानी हर पेज उसको अच्छे से रीड कर लेती है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है और अपने सारे पेपर्स यूज कर लेती है। शी न्यू फॉर गुड वाटर कलर पेंटिंग्स शी नीडेड स्पेशल वाटर कलर पेपर विच वॉज एक्सपेंसिव बट शी आस्क्ड हर मदर एनीवे। अब गुड वाटर कलर्स के लिए एक स्पेशल वाटर कलर पेपर भी होता है जो एक्सपेंसिव होता है, लेकिन एनीवे वो अपनी मदर से इस बारे में भी बात करती है। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ ए फ्यू शीट्स सेड मिसेस पारेलकर वियरली देन। अब जो मिस्टर पारेलकर मिस्टर पारेलकर थे उसके फादर, वो कहते हैं फ्यू शीट्स मैटर, उनको ये नहीं लगता कि भाई उन्हें शीट्स दिलानी पड़ेगी। वो कहते हैं मिसेस पारेलकर स्पोक टू हिम आफ्टर डिनर, आफ्टर वाटर कलर इट विल बी ऑयल्स देन कैनवसेज एंड वॉट नॉट। वाई डजंट शी लर्न समथिंग मोर यूजफुल लाइक कुकिंग और स्टिचिंग विद दोज हैंड्स ऑफ हर हर शी विल नेवर बिकम एन आर्टिस्ट। दिस पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई मिस्टर पारेलकर क्या कहते हैं मिसेज पारेलकर से, यानी उसके फादर मदर से क्या कहते हैं कि भाई वॉट अभी तो वाटर कलर की बात है, देन ऑयल पेस्टल्स मांगेगी वो, फिर उसके बाद कैनवसेज मांगेगी एंड वॉट नोट, पता नहीं क्या क्या। वो किसी और चीज़ में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेती जैसे कुकिंग स्टिचिंग, और जिस तरीके के उसके हाथ हैं वो कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकती है। यहाँ पर उसके फादर एकदम से डिस्करेजिंग व्यूज बताते हैं उसकी मदर को। प्लीज़ क्राइड हर मदर डोंट से दैट एवर अगेन, उसकी मदर रिक्वेस्ट करती है कि आज के बाद ऐसी बातें प्लीज़ कभी नहीं बोलना। ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिया हुआ पीछे कि वाई डज द ऑथर से दीज वर्ड्स, की भाई ये मदर ने ऐसा क्यों बोला था और वो उसने अपना गिव अप क्यों कर दिया, तो ये सारी चीज़ें हमें उसमें लिखनी पड़ेगी कि भाई फादर ने उसको डिस्करेज कर दिया था। नेक्स्ट इज
वेयर वर वी? यस, मंजुला हु हैड हर्ड द कन्वर्सेशन रिटर्न टू हर रूम। मंजुला ने सारी बातें सुन ली थी, वो अपने रूम में वापस आती है। शी बंडल्ड अप द वाटर कलर्स एंड द थ्री ब्रशेज एंड टक देम अवे इन द फादेस्ट कॉर्नर ऑफ हर कबर्ड। भाई मंजुला क्या करती है, जब वो अपने माता पिता की बातों को सुन लेती है, वो आती है अपने वाटर कलर और ब्रशेज सबको बांध के अलमारी में पीछे कोने में छुपा के रख देती है। मदर, शी सेड द नेक्स्ट डे कमिंग इन टू द किचन, डू यू नीड सम हेल्प इन कुकिंग? नेक्स्ट डे जब वो किचन में आती है तो अपनी मदर से कहती है, मदर क्या आपको कुकिंग में कुछ हेल्प चाहिए? वाई मंजू? हर मदर लुक्ड एट हर इन सरप्राइज, ग्लिम्सिंग द पेन इन हर आईज। वो पूछती है क्यों, क्या हुआ, और वो देखती है, महसूस करती हैं कि उसकी आंखों में कुछ परेशानी, कुछ दर्द था। ग्लिम्स मतलब नोटिस करती हैं, उन्होंने नोटिस किया कि उसकी आंखों में कुछ दर्द था। बिकॉज सेड मंजुला इन एज स्टडी वॉइस एज शी गुड मैनेज, बिकॉज आई स्टॉप्ड पेंटिंग एंड आई थिंक कुकिंग इज़ अ यूजफुल थिंग। और वो बड़ी धीरे से आवाज़ में बोलती है, क्योंकि मैंने पेंटिंग छोड़ दी है और मुझे लगता है कि कुकिंग ज़्यादा यूजफुल है। बट वाई? अमूल वॉज शॉक्ड। अब उसका ब्रदर बड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन क्यों? आई थॉट यू वुड एंटर द ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन इन नवम्बर एट माई स्कूल। मैं तो सोच रहा था कि जो मेरे स्कूल में ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन होगा तुम उसमें पार्टिसिपेट करोगी, यू वुड हैव ईजिली बैग द फर्स्ट प्राइज, बैग मीन्स वॉन, बड़ी आसानी से तुम फर्स्ट प्राइज जीत जाओगी। मंजुला वॉज थ्रू विद आर्ट, मंजुला हैड गिवन अप आर्ट फॉर एवर। मंजुला ने हमेशा के लिए पेंटिंग छोड़ दी थी, शी हैड गिवन इट अप फॉर गुड, उसने किसी अच्छे के लिए छोड़ी थी। हवेवर मच इट हर्ट, लेकिन उसको ये भी अंदाजा था, चाहे उसको कितना ही दुख हो रहा हो अंदर, हाउएवर मच, कितना ही दुख हो रहा हो, लेकिन उसने फिर भी पेंटिंग छोड़ दी। मंजू हर मदर्स वॉइस रीच हर फ्रॉम फार अवे। अब दूर से मंजू की आवाज़ आती है, उसकी मदर बुलाती है, विल यू गिव मी ए हैंड, क्या तुम मेरी मदद करोगे? योर पापा इज़ गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, आई हैव टू टेक आउट हिज सूट फ्रॉम द ट्रंक, मुझे ट्रंक में से उनका सूट निकालना है। मंजुला हेल्प हर मदर टेक डाउन द स्टील ट्रंक, मंजुला अपनी मदर की मदद करती हैं ट्रंक उतारने में, ठीक है। मिसिज पार्लिकल ओपनड इट बट देन शट इट अगेन, मिसिज पार्लिकल उसको खोलती हैं और फिर बंद कर देती हैं। शी टर्न टू मंजू डिसीजिवली, मंजू आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, आई अब वो कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और ये कहकर रुक जाती है। मदर प्लीज, इंटरप्टेड द गर्ल हर डार्क आईज बर्निंग, डोंट। अब वो थोड़ा सा मदर को रोक देती है, मम्मी मम्मी प्लीज, वो इसको चुप करने के लिए कह देती है। मिसेस पालगल ग्रिप्ड हर डॉटर फर्मली बाय द शोल्डर्स एंड लुक्ड हर स्ट्रेट इन द आई, वो अपनी बेटी के शोल्डर्स को टाइटली पकड़ लेती हैं अच्छे से और सीधा उसकी आंखों में देखती हैं। हर वॉइस फर्म विद डिटर्मिनेशन शी सेड, डोंट गिव इन मंजू, देर इज सो मच इन यू दैट अदर गर्ल्स डोंट हैव, लेट इट कम अप इवन इफ यू हैव टू फाइट, फाइट मंजू फाइट। अब वो उसको समझाती हैं कि तुम्हारे अंदर मैंने डिटर्मिनेशन देखी है कुछ करने की, अपने हार मत मानो, बहुत कुछ है जो तुम कर सकती हो जो बाकी गर्ल्स नहीं कर सकती, चाहे तुम इसके लिए कितना ही लड़ना पड़े, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। मंजू थ्रोट वॉज थिक विद टीयर्स, मंजू का गला आंसुओं से भर जाता है। शी टर्नड अवे फ्रॉम हर मदर एंड डैश्ड इन टू हर रूम, वो अपनी मदर से पास से चली जाती है और अपने रूम में आ जाती है। फ्लिंजिंग हर सेल्फ ऑन द बेड एंड ब्यूरिंग हर फेस इन द पिलो, जब वो वापस आ जाती है अपनी मदर के पास से, तो फ्लिंजिंग होता है थ्रोइंग, अपने आप को बेड के ऊपर गिरा लेती है, अब खुद गिर जाती है बेड पे और अपना फेस दबा लेती है तकिए के अंदर। वेन एट लास्ट शी सेट अप हर आईज फेल ऑन ए न्यूज़पेपर कटिंग ऑन द टेबल, आखिरकार जब वो उठ के बैठती है तो उसकी आंखें एक न्यूज़पेपर की कटिंग पर पड़ती है जो टेबल पे रखी हुई थी। स्ट्रेंज शी थॉट, आई डिडंट कीप इट देयर, पजल्ड शी पिक्ड इट अप एंड रीड, वो सोचती है बड़ी अजीब कटिंग है, मैंने तो नहीं रखी, फिर किसने रखी। वो उसे पढ़ना शुरू कर देती है, प्लेइंग फुटबॉल विद आर्टिफिशियल फील, उस एक आर्टिकल पढ़ने लगती है, उसमें क्या लिखा था कि फुटबॉल खेल रहा है कोई अपने आर्टिफिशियल फीट के साथ। द बोल्ड हेडिंग स्क्रीम्ड एट हर, वो जो बोल्ड हेडिंग थी एकदम से वो दिखती है। इन न्यू हैम्सफायर शी रेड ऑन, रिचर्ड बिलेंगर हु हैड लॉस्ट हिज फीट इन अ ट्रेन एक्सीडेंट डिसाइडेड टू प्ले फुटबॉल विद आर्टिफिशियल फीट,
अब उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि रिचर्ड के बारे में, जो जिसकी एक जिसका एक पैर उसने खो दिया था, अपना पैर एक ट्रेन एक्सीडेंट में उसने डिसाइड किया कि वो फुटबॉल खेलेगा अपने आर्टिफिशियल पैर के साथ। हिज कोच थॉट इट वॉज रिडिकुलस, उसके कोच को ये आइडिया अजीब लगा। हिज पेरेंट्स डिडंट लाइक इट, उसके पेरेंट्स को भी पसंद नहीं आया। बट बेलिंगर्स चक इट टू इट एंड मेड इट टू द नश्वर टीम एज अ डिफेंडर, और बेलिंगर ही करके दिखाया और नश्वर टीम को हरा दिया। मंजुला ड्रॉप्ड द क्लिपिंग, मंजुला ने उस क्लिपिंग को रख दिया। व्हाट ए ब्रेव बॉय शी थॉट, वो सोचते कितना साहसी बच्चा है। ही डिडंट गिव अप, उसने हार नहीं मानी। ही प्लेड ऑन, वो खेला। डिस्पाइट वट अदर पीपल सेड, इसके बावजूद कि बाकी लोग क्या कहेंगे। परहैप्स हर मदर वॉज राइट, शायद उसकी मदर ठीक थी। शी हैड टू फाइट, फाइट ऑन लाइक रिचर्ड बेलेंगर, उसे भी लड़ना होगा शायद रिचर्ड बेलेंगर की तरह। मंजुला वॉकड ओवर टू हर कबर्ड, हंटेड थ्रू द पाइल ऑफ क्लोथ्स एंड पुल्ड आउट हर कलर्स एंड ब्रशेस। अब वो अपने जो उस कबर्ड में उसने अपने कलर ब्रशेस पेंट वगैरह सब रख दी थी उनको खोजती है और फटाफट से निकाल लेती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हाउ अमोल एंकरेज हर टू ड्रॉ अगेन फॉर पेंटिंग अगेन, तो उसमें हमें सारी बातें लिखनी होगी कि अमोल ने कैसे एंकरेज किया। उसने एक पेपर की कटिंग को टेबल पे रख दिया, जब उसने रीड किया तो शी ऑल्सो एंकरेज, तो ही हेल्प्ड हर थ्रू दिस वे। ऑन द डे ऑफ द ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन शॉर्टली आफ्टर ब्रेकफास्ट हर ब्रदर सेड आई एम ऑफ, माँ रतन एंड आई आर हेल्पिंग एट द एंट्रेंस गेट, दे आर एक्सपेक्टिंग अ बिग क्राउड। टर्निंग टू मंजुला ही सेड कैजुअली, पिटी यू आर नॉट कमिंग, आई एम श्योर यू वुड हैव वॉन अ प्राइज। अब जिस दिन ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन था उस दिन मंजुला का भाई कहता है कि मुझे जाना होगा, मेरी एंट्रेंस गेट पर ड्यूटी है मेरी और रतन की, उसके और हो सकता है ज़्यादा भीड़ हो जाए। और वो मंजुला की तरफ देख के भी कहता है, क्या तुम नहीं आ रही हो, मुझे पता है तुम प्राइज जीतोगी। आई माइट स्टिल विन वन, मंजुला रिप्लाइड एज कैजुअली एज शी कुड, मैं पक्का जीत सकूंगी। मंजू डज दैट मीन यू आर पार्टिसिपेटिंग, अब ये बात हैरान कर देती है उसके भाई को। वो कहता है इसका मतलब तुम पार्टिसिपेट कर रही हो। अमोल जम्प्ड अप एंड हग्ड मंजुला, वो उछल जाता है और उसको गले लगा लेता है। आई न्यू यू वुड डू इट, मुझे पता था तुम ये कर लोगी। आई वॉज श्योर यू वुडंट गिव इन, और मुझे पता था तुम हार नहीं मानोगी। मंजुला फ्रीड हर हैंड्स एंड आंसर सॉफ्टली, इफ रिचर्ड वेलिंगर कुड डू इट वाई नॉट मंजुला वालेकर, और अपने हाथों को फ्री करके कहती है अगर रिचर्ड वेलिंगर कर सकता है तो मंजुला क्यों नहीं कर सकती। हर ब्रदर लुक्ड एट हर, अ ब्रॉड स्माइल स्प्रेड ओवर हिज फेस, उसका ब्रदर उसकी तरफ देखता है और बड़ी सी मुस्कान उसके चेहरे पे आ जाती है। रिचर्ड वेलिंगर, मिसेस पार्लकल आस्क सरप्राइज, हु इज रिचर्ड वेलिंगर, उसकी मदर पूछती है कि रिचर्ड बेलिंगर कौन है। रिचर्ड बेलिंगर स्पॉक मंजुला एंड हर ब्रदर टुगेदर प्लेज फुटबॉल विद आर्टिफिशियल फील्ड, इजन दैट समथिंग। रिचर्ड पेलेकर वो है जो फुटबॉल खेलता है आर्टिफिशियल फील्ड के साथ, इजन दैट समथिंग, क्या ये कुछ है नहीं। हेयर द चैप्टर इज कम्प्लीटेड, आई होप यू हैव गॉट द चैप्टर थॉरली एंड जस्ट दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे।